नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स ह्यूमंस में, इंसानों में कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जानवरों में भी इफ़ेक्टिव होती है कि नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जानवरों में भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, खासकर पालतू जानवरों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। पालतू जानवर जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, जैसे बकरी, ये सब जो जानवर हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, कुत्ता हमारी रक्षा करता है, तो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार भी पड़ते हैं और जब वो बीमार पड़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पहली बात उनकी बीमारी समझ में नहीं आती, दूसरी बात कि सही ढंग से डॉक्टर भी नहीं मिलते। इंडिया में, भारत में वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते अपने जानवरों को लेके, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जिससे हम जानवरों को ठीक कर सकते हैं, जड़ से उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं, उनको रोगों से बचा सकते हैं। होम्योपैथी में इससे रिलेटेड रिसर्च भी हुए हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जानवरों में कितना असर करती है, कहाँ तक असर करती है। कुछ कंपनियां हैं जो जानवरों की मेडिसिन्स बनाती भी हैं, कुछ बुक्स भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी जो बहुत ही अच्छी हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जानवरों के अंदर बीमारियां क्या होती हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर होम्योपैथी में जानवरों के बारे में कुछ समझना है और जानवरों की मेडिसिन्स के बारे में जानना है और जानवरों की बीमारी के बारे में जानना है, तो आपको मेनली कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में आप जानवरों को कैसे मेडिसिन दे सकते हैं। एक दो एग्जांपल बताऊंगा और फिर आगे कुछ और वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के। ये पार्ट वन है, उसके बाद दो तीन वीडियोज़ बनाऊँगा और हो सकता है कि मैं जानवरों के ऊपर भी कुछ डिसीज़ के ऊपर, जो कॉमन डिसीज़ होती हैं, जो गायों को होती हैं और जो कुत्तों को होती हैं, जो डॉग्स को होती हैं, उनके ऊपर एक दो वीडियो और बनाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानवरों को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन से। दोस्तों, एक बुक आती है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी एंड होम्योपैथी। ये बुक दोस्तों डॉक्टर जॉन सेक्सटन और डॉक्टर पीटर ने लिखी है। डॉक्टर जॉन जो हैं वो वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर भी वेटनरी डॉक्टर हैं और ये होम्योपैथी में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने काफ़ी सारी इसमें रिसर्च की, उसके बाद ये बुक लॉन्च की है दोस्तों। 2005 में ये बुक पब्लिश्ड हुई थी। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको जानवरों की डिसीजेज मतलब बीमारियों के बारे में पता चलेगा कि आपके कुत्ते को क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, या आपके गाय को क्या क्या बीमारियां होती हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं नीचे लिंक देने की कोशिश करूँगा। अगर लिंक मिल जाता है तो मैं लिंक दे दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, अच्छी बुक है। दोस्तों, अब चलते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है जानवरों की बीमारियों से रिलेटेड और कभी मैंने जानवरों को मेडिसिन दी है कि नहीं दी। तो काफ़ी सारे जानवरों को मैंने मेडिसिन्स दी हैं, उसमें से कुछ गायों को मेडिसिन्स दी हैं और कुछ कुत्तों को, डॉग्स को मेडिसिन्स दी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं गायों की बात करता हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं जो दूध का व्यापार करते हैं, जिनके यहाँ गायें हैं और गायों को दूध कम होता है, जिसके कारण वो मेरे पास आते हैं और इसके लिए अर्टिका यूरिनस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर 40 बूंद आप आधे कप पानी में मिला लीजिए और अपनी गाय को सुबह और शाम पिलाइए। अगर नहीं पीती हैं तो आप रोटी में भी मिला के आप खिला सकते हैं। कैसे भी आप अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर देंगे, इससे गायों का जो दूध होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा कम निकलता है और बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों को, क्योंकि उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। गायों के दूध को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अर्टिका यूरिनस। दोस्त, केस और आया था दोस्तों मेरे पास गाय से रिलेटेड। एक गाय थी जिसकी डिलीवरी जो है वो पूरी तरीके से सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। अगर आसान भाषा में बोले तो बच्चा जो है वो रुक गया था और दोस्तों ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर बच्चे की और गाय की भी मौत हो जाती है। लेकिन हमारे एरिया में जो वेटनरी डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे से उनकी पहचान है, तो फ़ोन करके वो बोले कि आपके पास मैं एक किसान को भेज रहा हूँ, उसको आप पल्सेटिला 200 दे दीजिएगा, बहुत इमरजेंसी है।
तो मैंने क्लिनिक खोली और उसके बाद रात को 1 बजे उनको पल्सेटिला 200 की 1 सीसी बना के, 2 ग्राम की सीसी ग्लोब्यूल्स में पल्सेटिला 200 डाल के दे दी। 3 4 दिन बाद जब वो डॉक्टर साहब मेरे क्लिनिक में आए और ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तो वो बोले कि नहीं, उसकी डिलीवरी सही ढंग से हो गई। पल्सेटिला की लगभग 10 गोली उन्होंने दी, हर 10 मिनट में उन्होंने 10 10 गोली किसान को बोला कि मुंह में डालते जाना, और लगभग आधे घंटे के अंदर पल्सेटिला से उसकी डिलीवरी पूरी तरीके से हो गई। होम्योपैथी जानवरों में बहुत ही अच्छा काम करती है और होम्योपैथी जानवरों के इस बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। खासकर चर्म रोग जो जानवरों को होता है, उसके लिए तो होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आप अपने जानवरों से प्यार करते हैं और थोड़ा सा चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, कुछ बीमार हैं आपके जानवर, तो थोड़ा सा आप देखें, ध्यान दें कि क्या लक्षण हैं, और उस लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन उसको दे सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और मैं लास्ट में दे देता हूँ कि अगर आपका डॉग जो है वो कुत्ता दस्त कर रहा है, तो पोडोफाइलम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और पोडोफाइलम को आपको ठेटीपोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देना है। ऐसे ही बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो जानवरों में बहुत ही अच्छा असर करती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूं, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर का बटन दिया गया है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नीचे एक मैसेज सेक्शन है तो आप मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।